करनाल के डेरा कार सेवा में अमृतसर से कुछ किसान नेता पहुंचे हैं जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। यहां पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पहुंचे किसान नेताओं ने कहा कि उनका पहला जत्था दिल्ली जा रहा है, जो पहले दिल्ली में गुरुद्वारे में माथा टेकेगा, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देने का उद्देश्य उन लोगों की रिहाई के लिए है जिनको दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उनका कहना है कि वो बेगुनाह है और उनकी जब तक रिहाई नहीं होती तब तक वो इस तरीके से अपनी गिरफ्तारी देते रहेंगे। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते महिलाओं का एक जत्था अमृतसर से आएगा जो दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी देगा। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सानू बड़ी वड्डी खुशी हुई है कि जिवें किसान जथेबंदियां पंजाब तो चलिया सन, पूरे भारत नूं उन्होंने जगा दिता सी। हुण जो पंज मैंबर श्री अकाल तख्त चले ने, जिन्हां की अगवाई साडे पार्टी के जनरल सकत्तर सरदार जसकरन सिंह जी कान सिंह वाला कर रहे ने, ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब जी कल मौजूद सन जदों श्री अकाल तख्त साहब चले सन। रात ये पंज मैंबर साडे करनाल कलंदरी गेट गुरुद्वारा कार सेवा डेरा उत्थे ठहरे ने। हुण ये जथा इत्थों रवाना होण लगा है, ते असी यही उन्हें अगे अपील की है कि सानू भी सेवा का मौका दिता जाए। एक हरियाणे तो जथा टुरांगे, तो पंजवा जथा जिहड़ा चलेगा हरियाणे तो चलेगा। बाकी असी इन्हां दा धन्नवाद करते हाँ भी तुसी जो साडे सुत्ते सन लोग उन्होंने तुसी फिर एक बार जगा दिता है, तो एक मोदी नूं फिर ललकार मारी है भी असी आ रहे हैं, तैयार हो जा, तू डराना सी लोगों नूं भी जेलां 'च सुट दांगे, इंज कर दांगे, सानू जेलां जूलों की कोई परवाह नहीं। तो सर गिरफ्तारी कैसे देंगे और क्यों देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो काले कानून ने उन्होंने रद्द करवाने वास्ते, दूजा जो इन्होंने साढ़े नौजवान गिरफ्तार कर लेने दिल्ली, दिल्ली हुकूमत ने सेंटर सरकार ने उन्होंने जो रिहाई वास्ते ये जथा जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो किसान यूनियन अमृतसर के प्रेजिडेंट हूँ, हमारे पार्टी के प्रेजिडेंट सरदार सिमरजीत सिंह मान है, हमने लगातार 30 सितंबर से राजपुरा शंभू बैरिया पर धरना लगाया था और वहाँ 26 तारीख को जो किसान आंदोलन में दिल्ली चलो का प्रोग्राम था, हम सारे बैरिकेड तोड़ के पहले हरियाणा में गिरफ्तार किया। हरियाणा में पैदल हमने 27 किलोमीटर 26 तारीख को हम आए, हमको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर छोड़ दिया। उसके बाद 27 तारीख को जो पहला बैरिकेड मुल्थर में था बहुत बड़ा, वो हमने तोड़ा। हम पहला ट्रैक्टर लेकर कहाँ गए, हम दिल्ली चले गए। पहला तोड़ा, दूसरा तोड़ा, दिल्ली का तोड़ा, शंघू का तोड़ा, फिर हमने मजनू टिल्ला को से गिरफ्तार कर लिया, जो केजरीवाल ने जेल बनाई है हरिनगर, उसमें हम रहे। उसके बाद हम यहीं लड़ाई लड़ते रहे, फिर वहां से हमारे 7 लोगों ने तिहाड़ जेल में गिरफ्तार कर लिया, हमारा टेंट तोड़ दिया, हमारी कार के शीशे तोड़ दिए और हमारे 7 टेंट चरा के ले गए, हमारा आटा चक के ले गए, हमारे सिलेंडर चक के ले गए, हमारी सारी चीज़ वो मोदी सरकार वहाँ से उठा कर ले गई। और अब हम मोदी कहता है कि 3 काले कानून हैं, 3 काले कानून हमने क्या रद्द करो, जब हमारी बात ना सरकार ने सुनी, ना हमारी विरोधी धिर ने ये बात सुनी, ना हमारी बात सुप्रीम कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने सुनी, फिर हमारा राइट है संविधान की धारा 14, 19, 21 के मुताबिक हम बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। अब जब आंदोलन करने चाहे, खट्टर साहब ने संविधान की धारा 14, 19 की उल्लंघना कर बैरिकेड डाल दिए, हमारे पे बाछड़े मारी, कुएँ फाड़ दिए, पर फिर भी अनलॉफुल गल की थी, हम लॉफुल है, हम तो कहते रद्द करो। तो गिरफ्तारी कैसे देंगे? गिरफ्तारी हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारा साहब, उत्थे नमस्कार करेंगे, गुरु तेग बहादुर ने जुल्म को रोकने के लिए वहाँ शहादत दी थी, नमस्कार करेंगे, रकाबगंज करके पीसफुली सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए उन्हें गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देके के जो जितने अपने किसान हैं उनको रिहा करो, जितना यूथ है उनको रिहा करो। अगला जत्था बीबियों को आएगा, वो जत्था दमदमा साहब से आएगा, उसमें मेरी पत्नी धनवंत कौर आएगी, मेरी नौरानी तिंदरजीत कौर आएगी, बीबी हरपाल कौर आएगी, सुखजीत कौर आएगी, तो एक मेरी भैन, 5 बीबियों का जत्था वो 2 तारीख को वहाँ से चलेगा। लगातार ये जत्थे चलते रहेंगे। हम गिरफ्तारी इसलिए दे रहे हैं, मोदी साहब आपको डराना चाहता है, आपको खदाड़ना चाहता है। हम हरियाणा भाई भाई हैं, हम सारे इकट्ठे हैं, हरियाणा पंजाब तो पूरा इंडिया से इकट्ठा है, तो मैं हरियाणे के जितने भरा जेडे जाट भरा उन्होंने सिर झुकता कि असं इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, कि असं जितांगे जरूर।
ब्रेकिंग न्यूज राज बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।